नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं। तो मैं जा रहा हूं बनाने एक सीरीज बोर्ड, जो कि जो नॉर्मल बोर्ड होता है उसका कनेक्शन अलग होता है, जो सीरीज बोर्ड का कनेक्शन होता है वो अलग होता है। तो हम दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को एंड तक देखें। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने बॉक्स ले रखा है जो कि अभी बिजली वाले दुकान पे मिल जाता है आसानी से। और ये हमने स्विच सॉकेट ले रखा है, और ये हमने ये होल्डर ले रखा है जो कि पीतल का आता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपये का आता है ये। और ये हमने प्लग ले रखा है। तो हम इसको मार्किंग करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम इसको मार्किंग करने के बाद ये स्विच सॉकेट और ये होल्डर इसमें फिक्स करेंगे इस बोर्ड में, तब हम इसको कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको बना कटिंग करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो हम इसको कनेक्शन करने के लिए, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों हम ये कैसे इसका कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हम तार लगाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कनेक्शन उल्टा पुल्टा कर देंगे तो शॉर्ट हो सकता है आपका। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने होल्डर लगाया इसमें दो तार है, एक न्यूट्रल एक फेस है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लैक कलर का तार नहीं था तो हमने एक ही कलर ले लिया है यूज में। तो आप एक जो तार है हम इसमें जॉइंट करेंगे, कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और जो एक हम तार है ये हमारा, हम यहाँ से इस वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, और हम यहाँ से थोड़ा से कट करेंगे।
इसको हम वायर को छील देते हैं और इसको जो है इस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। स्विच वाला जो पॉइंट है बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, हम ये जो है इसको स्विच में कनेक्ट कर रहे हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो हम लास्ट के वीडियो में आपको इसका हम डायग्राम बना के दिखा देंगे, आप वहाँ से आसानी से देख के आप अपना घर पे बना सकते हैं सीरीज बोर्ड। तो एक तार हम लेंगे, ये वाले जो तार है हम छील रहे हैं, हम इसमें कनेक्ट करेंगे स्विच वाले में। और ये जो बच गया हमारा जो तार, ये जो होल्डर में से आ रहा है, इसमें हम न्यूट्रल देंगे और ये बाकी हमारा फेस करेगा। और ये जो हमने होल्डर में जो लगाया है ये जो तार, ये हमारा पूरा सीरीज का हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये हमारा हो गया जो होल्डर में से आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल का हो गया। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हमने पूरा बोर्ड को कंप्लीट कर दिया। इसका इसके अंदर में मैं कनेक्शन से करके सब कंप्लीट कर दिया हूँ। ये हमने 100 वाट का बल्ब लगाया यहाँ पे, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कैसा वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। हमने इसको बोर्ड में प्लग लगा दिया है। अब यहाँ पर हम ये हमारा सीरीज बोर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अब देखिए हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला बल्ब हमारा जलेगा। ये हमारा थोड़ा लूज है, यहाँ पे हमने प्लग नहीं लगाया है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। हम इस तार को टच कर रहे हैं तो ये हमारा बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं। हम इसको टच करेंगे वायर को दोनों को आपस में तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। तो आप इस बोर्ड से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने पंखे का कॉइल ले रखा है, तो हम इस पंखे को चेक करते हैं कि ये हमारा कॉइल सही है कि नहीं सही है, ख़राब है क्या है, हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं। हम इसको थोड़ा दोस्तों ये थोड़ा हमारा दिक्कत कर रहा है, इसके लिए हम इसको लगा देते हैं अच्छी तरह से कि हमारा हिले ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने कॉइल ले रखा है पंखे का, सीलिंग पंखे का है, तो ये हम चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कॉइल की ख़राब है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा बल्ब बिल्कुल कम जल रहा है। अब दोनों हम आपस में टच करेंगे तो ये हमारा बल्ब तेज जलेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कम जल रहा है। हम इसमें टच करेंगे तो ये और कम जलेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो कॉइल है, ये हमारा कॉइल बिल्कुल ठीक है। आप इससे इस सीरीज बोर्ड से आप कोई भी, चाहे
टिल्लू वगैरह हो या कोई चीज़ भी आपको चेक करना है तो आप इससे बोर्ड से चेक कर सकते हैं, सीरीज बोर्ड से। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।